महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव होने हैं और अब तक शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे का ऐलान लटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी के सामने चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर 50-50 फॉर्मूले की शर्त दोहरा दी है। इस बीच बीजेपी शिवसेना के सामने सीट शेयरिंग के नए फॉर्मूले के साथ सामने आई है, लेकिन गठबंधन को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। उधर उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से सूबे में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में कमर कसने की तैयारी का आदेश देकर गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति को और हवा दे दी है। साथ ही सभी सीटों पर पार्टी ने अपने इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर शिवसेना बीजेपी के सामने 50-50 फॉर्मूला पर अड़ गई है। शिवसेना 135 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। हालांकि बीजेपी शिवसेना की झोली में सीटों के बंटवारे में 124 सीटें तक देने को राजी है। दोनों दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है। हालांकि शिवसेना कह रही है कि हमारे बीच गठबंधन जरूर होगा, महाराष्ट्र में जरूर गठबंधन होगा, उस बारे में चर्चा आगे जा रही है। एक दो दिन में उस बारे में अधिकृत घोषणा भी हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई कठिनाई है। जरूर सकारात्मक तरीके से ये चर्चा चल रही है। शिवसेना के तेवर हाल के दिनों में थोड़ा बदले से भी नजर आ रहे हैं। पार्टी सहयोगी बीजेपी पर दबाव का कोई मौका नहीं छोड़ रही और जानकार मानते हैं कि शिवसेना बीजेपी पर दबाव की सियासत कर सीटों के बंटवारे में अपनी बात मनवाने का दांव चल रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इस बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर जल्द से जल्द बनाने का मुद्दा उछाल दिया है। नए मोटर व्हीकल कानून को सूबे में लागू न करने का ऐलान कर शिवसेना कोटे के परिवहन मंत्री ने बीजेपी को पहले ही घेर रखा है। जबकि पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर बीजेपी पर दबाव बना रही है। हालांकि बीजेपी सीटों के फॉर्मूले पर फिलहाल अपने कार्ड नहीं खोल रही, लेकिन पार्टी शिवसेना के साथ बातचीत कर गठबंधन को लेकर सब ठीक कर लेने का दावा जरूर कर रही है। हमने पहले बैठक में ही तय किया कितने सीट किसको मिलेंगी, ये माध्यम के द्वारा बताया नहीं जाएगा, ये हम बैठक में चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से तय करेंगे। मेरे को लगता है कि कोई सस्पेंस नहीं है। शिवसेना भाजप, ये शोले फिल्म का जो गाना है कि ये दोस्ती का, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना पाया, हम निश्चित रूप से युति करेंगे। मेरे मन में कहीं दूर तक शंका नहीं है। हम ऐसे दो पार्टियां हैं, एक समान विचार है, कम ज़्यादा होता रहता है, सब निपटा कर हम आगे जाएंगे जनता की सेवा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 122 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी से कई विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और यही वजह है कि बीजेपी सूबे में ज्यादातर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी को प्रदेश के छोटे छोटे दलों का भी समर्थन हासिल है और विपक्षी दलों के कई छत्रप नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके चलते पार्टी की सूबे की सियासत में पकड़ और मजबूत बन गई है। यही वजह है कि बीजेपी शिवसेना को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। 2014 में इसी तरह सीटों के बंटवारे पर अनबन के बाद ऐन मौके पर गठबंधन टूट गया था और शिवसेना और बीजेपी विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ बैठे थे। उधर विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी विधानसभा में गठबंधन कर 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और बची हुई सीटें दूसरी छोटी सहयोगी पार्टियों में बांटने की तैयारी है। सूबे में राज ठाकरे की एमएनएस चुनावी समर में कूदेगी या नहीं, अब तक राज ठाकरे फैसला ही नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।